दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का एजुकेशन पोर्टल पर। आज हम सीखेंगे सीटेट का फॉर्म किस तरह से अप्लाई करना है 2019 का। जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो इस वीडियो को देखें। और बीएड वाले कौन से कॉलम को सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी टीचर के लिए और सेकेंडरी टीचर के लिए, तो वो अलग अलग हमने यहाँ पर ऑप्शन दिखाए हैं। तो सबसे पहले आपको सीटेट की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा, ctet.nic.in पर। इसके ऊपर जाओगे तो नीचे फिल अप फॉर्म होगा 2019 का। उस पर पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, नाम एड्रेस पता ये सब कुछ आपको डालना होगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जो दूसरा है एप्लीकेशन फॉर्म, ये खुल जाएगा, ये आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। यहाँ से आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। इसके अंदर में आपको अपना जो सारा डाटा डालना है, तो इसमें सबसे पहले आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी, जो भी होगी वो आप सेलेक्ट कर दीजिए। और डिसेबिलिटी ये हो गया अपना, नेशनलिटी ये हो गया इंडियन, और पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यू में आते हैं वो कैंडिडेट यस करेंगे और बाकी करेंगे नो। लैंग्वेज वन आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कौन सी भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसका कोई बड़ा इसमें रोल नहीं है। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हो तो आपको वहाँ पेपर में हिंदी वाला कोड करना होगा, और अगर आप इंग्लिश करते हो तो वहाँ आपको इंग्लिश वाला कोड करना होगा पहले। और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इस यहाँ आपके जो ऑप्शन है ये है, उस तरह से आप डाल दीजिएगा और नॉट एम्प्लॉयड कर दीजिएगा। अप्लाइंग फॉर, ये आपको दिखाया है आप पेपर वन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टू के लिए कर रहे हैं, दोनों के लिए। अगर दोनों के लिए कर रहे हैं तो अप्लाई बोथ करिएगा। फर्स्ट चॉइस एग्ज़ाम सेंटर, यहाँ एग्ज़ाम सेंटर डालना, अब ये हो रहा है, एक मिनट रिफ्रेश होएगा। उसके बाद में यहाँ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम्स की वाला हो जाएगा ऑप्शन, ये देखिए आ गया। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास वन एंड बी, तो सेलेक्ट करेंगे यहाँ से 1, 2, 5 ऑप्शन है, और यहाँ ये दिखाया गया है कि इनमें कौन से ऑप्शन में क्या है। तो पहले में जो कैंडिडेट पहली क्वालिफिकेशन करता है, जिन्होंने JPT कर रखी है, वो इनमें से सेलेक्ट करेगा। और लेकिन बीएड वालों के लिए बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ कॉलम सेलेक्ट करना होगा पांचवे के अंदर आपका 50% मार्क्स के साथ बीएड होनी चाहिए, और आप ये कॉलम सेलेक्ट करके यहाँ फिल कर दोगे 5 नंबर कॉलम JPT के लिए। अगर आप एक ही के लिए कर रहे हो तो भी यही, और दोनों के लिए कर रहे हो तो दूसरा यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे 2 नंबर। यहाँ भी मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरे में क्या, देखिए ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन। ये 1 ईयर हो चाहे 2 ईयर हो, अगर आप 2 ईयर में अपीयरिंग हो रहे हो सेकेंड ईयर में, तो आप उसको फिल कर सकते हो। और आपने 2 ईयर्स की कर ली है तो भी आप इसको फिल कर सकते हो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आप भरेंगे 2। ये ऑप्शन नंबर 2 भरने के बाद सब्जेक्ट ऑफर फॉर पेपर 2, टू पेपर आप मैथमेटिक्स साइंस या सोशल साइंस किसके लिए दे रहे हो, तो जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो यहाँ कर देना है। और डिप्लोमा इन एजुकेशन, डिग्री इन एजुकेशन, क्या आपके पास क्वालिफिकेशन, तो डिग्री इन एजुकेशन आपको कर देनी है जो भी आपकी है वो। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ से भर देना है कोई भी, अगर अहमदाबाद कुछ भी है, जो भी आपका चंडीगढ़ पंचकूला कुछ भी भरते हो तो वो आप यहाँ से भर देना। जैसे मैं एक बार मोहाली लगा देता हूँ, और दूसरा आपको दिखा देते हैं कोई कुछ भी लगा लो, तीनों मतलब आपको प्रेफरेंस है, आपको यहाँ यहाँ देना है एग्ज़ाम, वहाँ वहाँ आपको देना है। क्वेश्चन पेपर मीडियम आप कुछ भी कर देंगे आपको दोनों में मिलेगा, इंग्लिश करोगे तो आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलेगा, हिंदी करोगे तो भी दोनों में मिलेगा। ये आपकी क्वालिफिकेशन है, डिग्री इन एजुकेशन आपको भर देनी है, पास्ट और अपीयरिंग जो भी है वो, और ईयर सेलेक्ट करना है, एजुकेशन एलिमेंट्री, कोर्स नेम स्ट्रीम ये एक ही है इसके अंदर यही है, और बोर्ड यूनिवर्सिटी आपको जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है ठीक है, वो यहाँ से ऑप्शन में आपको सब कुछ सारी यूनिवर्सिटी आपकी मिल जाएगी। कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ से जो आपकी है, एक बार हम ये भर के देते हैं, वो आपको अपनी भर देनी है, जो आपका पासिंग ईयर है वो भर देना है जो भी था वो। और रिजल्ट मोड परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज आपके लिख देना, जितने भी बीएड के अंदर परसेंटेज आए हैं वो भर देने हैं। ये हो जाएगा आपका फॉर्म यहाँ कंप्लीट। और ये सिक्योरिटी सेंसिटिव करने के बाद आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से आएगा। 2, 9 ये तो परसेंटेज वाले में भरी जरा, और यहाँ ऑप्टेन मार्क भी आपको रखने होंगे सारा कुछ, और इंस्टीट्यूट का पिन कोड भी भरना होगा। ये करने के बाद में सब कुछ आप ये कर लेना, मेन तो आपको यही था कि यहाँ आपको कौन सा कॉलम डालना है पहला और दूसरा। ये करने के बाद आप इसको सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा, उसको आप जो भी ऑप्शन है अपने डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, ऑनलाइन बैंकिंग से कर सकते हो, आप उसको पेमेंट करना। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और उसके अंदर 1-2 स्टेप और रहते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के बाद अपलोड इमेज, और अपलोड इमेज करनी है फीस पेमेंट से पहले, वो आपको दे दिया गया हुआ उसके अंदर कि इस साइज़ की इमेज आपको बनानी है, वो आप कंप्यूटर से अपने पेंट में जाके बना सकते हो।
और उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी है। फीस पेमेंट करने के बाद वही कोई भी स्टेप नहीं रहता, आप अप्लीकेशन नंबर और अपना पासवर्ड याद रखना, और जब एडमिट कार्ड आएंगे तो एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम से यहीं से निकल जाएंगे, आपको पूरा फीस आपका पूरा फॉर्म यहाँ से भरा जाएगा। और अगर आपको और कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करें, हम आपकी सोल्यूशन उस दिक्कत का करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।